Thank you, ma'am, first of all. What a wonderful introduction. Ma'am ne kafi achhi baatein ki aaj, specially related to the mental side of this preparation. And abhi realize nahi ho raha hoga aap sabko ye, but jaise jaise aap aage badhenge, वैसे यू विल रियलाइज कि ये जो वर्ड्स हैं दीज वर्ड्स आर नॉट जस्ट सिंपल वर्ड्स बट दीज आर और इनफैक्ट आई कैन से दैट दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस प्रिपरेशन. डर सबको लगता है, ऐसा कोई है जिसको डर नहीं लगता किसी चीज़ से? देखिए मैं थोड़ा एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है. यहाँ पे तो वो पोडियम नहीं है, जो मेरी क्लासेस हुआ करती थी वहाँ पे हल्का सा एक पोडियम टाइप था जहाँ पे फैकल्टी ज़्यादा थी पढ़ाते थे. अगर उसके एज पे मुझे अगर आज खड़ा होने को मिले मैं खड़ा हो जाऊंगा विद नो प्रॉब्लम, बट अगर उसके आगे का फ्लोर हटा देंगे तो मुझे बहुत डर लगेगा ऑन द सेम पोडियम. तो क्यों लग रहा है वो डर? इट इज़ ऑल मेंटल, वही जगह पे है. तो अभी आपको अगर प्रिपरेशन से डर लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि हमारा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो ये सभी का लग रहा है. मेरा रिजल्ट आया था 24th of September 6 बजे. उस दिन से दो दिन पहले तक मुझे नींद नहीं आई थी फॉर वट एवर रीजन्स. आप भी जानते होंगे कि नर्वसनेस होती है, और उसके बाद भी मुझे 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आई है. तो लाइफ में लोगों के लिए मैं बहुत कुछ बदल चुका हूँ, बट आज मैं अभी आप ही की तरह एक फॉर्मर एक्सपेरेंट हूँ. तो मेरे में और आप में जो डिफरेंस है वो नॉलेज का नहीं है. वो नॉलेज का अगर मान लो थोड़ा भी है, बट मोर देन दैट आई वुड से इट इज़ द एटीट्यूड कि आप किस एटीट्यूड से ये चीज़ करना चाह रहे हैं. आप सभी का ड्रीम है सिविल सर्विसेज में आना. रीजंस सबके डिफरेंट होंगे, मेरे भी डिफरेंट थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन है. मेरी एस्पिरेंट लाइफ में जितने भी मेरे फेलो एस्पिरेंट्स थे, थोड़ी देर पहले मैंने डर की बात की, सभी को डर लगता है और वो सभी डर रहे थे. प्रीलिम्स है, मैं 2 बार फेल कर चुका हूँ और दोनों बार डर की वजह से ही फेल हुआ है. मेरे में नॉलेज की कमी नहीं थी, पढ़ाई मैंने उतनी ही की थी जितनी आप लोगों ने की थी, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा नर्वसनेस होता है, होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट होता है. तो ये चीज़ को ओवरकम करना कि आप वहाँ जाके फियरलेसली एग्ज़ाम लिखें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप अपना एग्ज़ाम फियरलेसली लिखेंगे, हो सकता है नहीं भी हो, बट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं अपना वेस्ट कर सकता था, या फिर मैं ये क्वेश्चन है सीधे में स्लिप छोड़ के आया था. मुझे अभी भी याद है 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि अटल इनोवेशन मिशन है का मतलब किस किस से एसोसिएटेड है. उस टाइम पे आई वॉज पैनिक्ड और उसका आंसर नीति आयोग है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मार्क करके आ गया था. तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स अगर मैं शायद नर्वस नहीं होता, शायद डरा नहीं होता, तो नहीं हो पाती. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्टली आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस डर को ओवरकम करिए. और अगर ओवरकम नहीं हो रहा है तो लर्न टू लिव विद इट, क्योंकि यहाँ पे सभी डरे हुए हैं. मेरे साथ कई लोगों को मैंने सुना है, या मेरे जो जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि IIT से हैं, इनका होता है, हम तो इस नॉर्मल कॉलेज से हैं, हमारा नहीं होता है. आज मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ इंटरव्यू में बहुत सारे IIT ग्रेजुएट्स थे, इनफैक्ट और भी लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं. IITs में जाने वाला हर बंदा कॉमन नहीं होता, हर बंदा सेम नहीं होता है. वहाँ पे भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं. कुछ होते हैं जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं बट मेंटली वीक होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, उनका नहीं होता है, देन दे मूव ऑन विद देयर लाइफ्स. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? आपको सिर्फ घुसना थोड़ी है, देयर हैज़ टू बी एन एग्जिट प्लान. आप अगर सिर्फ ये सोच के घुस रहे हैं कि या तो आर या पार, बिल्कुल कई लोगों का इससे काम चल जाता है, बट देयर नीड्स टू बी एन एग्जिट प्लान ऑल्सो. तो जब आपने एग्जिट प्लान बना ही लिया है कि मुझे इसके बाद क्या करना है या मुझे कहाँ जाना है 3 साल में, तो अपने एफर्ट्स को चैनलाइज करिए. और वो चैनलाइज कैसे होंगे? मैम ने डायरेक्शन की बात की, एफर्ट्स को सभी कर रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे होंगे घर जाके, ऐसा तो है नहीं कि एफर्ट में कमी है. अगर एफर्ट में कमी है तो बिल्कुल करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कम कर रहे हैं तो आपके पड़ोस में जो कॉम्पिटिशन है वो नहीं कर रहा है, तो आपको एफर्ट तो मैच करनी पड़ेगी, लेकिन एफर्ट से काम भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कई लोग एफर्ट है वो बहुत चैनलाइज है, बहुत सही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ढूंढनी है. तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 72 है, मेरे मेंस में और फाइनल रिजल्ट में मेरे मार्क्स 991 है. मेरे से पहले जो है 71 रैंक है उनके भी एग्जैक्टली यही मार्क्स हैं. मेरे बाद में जो है जिनका रैंक 73 है उनके भी एग्जैक्टली यही मार्क्स हैं. एक एक मार्क की लड़ाई है, बट स्ट्रैटेजी सबकी अलग है. मेरे ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था मेरा, मेरे ऑप्शनल में
अभी तक जहाँ तक मुझे पता चल रहा है वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स है मेरा 299 है, पेपर वन में 150 है, पेपर टू में 149 है, लेकिन मेरे जीएस में बहुत बहुत लोगों से कम है। तो स्ट्रैटेजी सबकी अलग है लेकिन मार्क्स सेम है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेरी स्ट्रैटेजी सुने, इससे ज़्यादा आप ये डिसाइड करें कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है। सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, सबकी स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होगी, और उस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन आप कितनी अच्छी तरीके से करते हैं ना, दैट विल डिसाइड कि आप इस प्रिपरेशन में कितना आगे जाएंगे। अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप एफर्ट डालते रहेंगे, फाइनल स्टेप तक पहुँच जाएंगे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं होगा। और वो जो फेयर है वो फेयर उनको भी लिस्ट वाले जिस दिन रिजल्ट आता है उनको भी इतना ही होता है जिनका टॉप 100 रैंक आता है, जितना जो लास्ट में ऑलमोस्ट 700 रैंक तक आगे रुक जाते हैं। तो यू हैव टू रियलाइज कि ये एग्ज़ाम इट इज़ एज मच साइकोलॉजिकल जितना एकेडमिक नॉलेज बेस्ड बोलेंगे, क्योंकि एक लेवल के बाद सबकी नॉलेज बराबर हो जाती है। मेरे साथ काफ़ी मुझे मिले थे इंटरव्यू में, काफ़ी कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, और ऑलमोस्ट सबका यही रियलाइज होता कि जितने भी स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, इंटरव्यू है, सभी का एक कॉम्पिटेंस लेवल है। अगर आप उस कॉम्पिटेंस लेवल पे पहुंच गए हैं तो उसके बाद में वो स्टेज आसान हो जाता है। कई कैंडिडेट्स हैं हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं लेकिन मेंस पर रुक जाते हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 3 साल से इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। फॉर्चुनेटली मेरे को एक ही अटेम्प्ट में आई हैव क्लियर मेंस, आई हैव क्लियर प्रीलिम्स एंड आई हैव गॉटन अ वेरी गुड रैंक, एंड दैट इज बिकॉज आई हैव रियलाइज दिस कि हर स्टेज की हर स्टेज का एक कॉम्पिटेंस लेवल है, वो कॉम्पिटेंस लेवल दैट इज नॉट जस्ट नॉलेज बेस्ड, दैट इज ऑल्सो योर पर्सनैलिटी। प्रीलिम्स से कितनों को डर लगता है यहाँ पे, किसको नहीं लगता है ये बता देना, नहीं डर लगता, सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है। मैं इंटरव्यू देके आया था, रिजल्ट आने तक मैं भी प्रीलिम्स का पढ़ रहा था, कोचिंग में मार्क्स नहीं आते हैं कई बार, मेरे भी किसी पेपर में 72 आ रहे हैं, किसी पेपर में 80 आ रहे हैं, किसी में 125 आ रहे हैं, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आप लगे रहें, आप डिसाइड करें, आप एनालाइज करें कि गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है। ऐसी जगह गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती आपका जो फेलो कॉम्पिटिटर है वो करेगा। अटेम्प्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स 3 to 4 lakhs, लेकिन आपका असली कॉम्पिटिशन तो वो है जो मेंस करने वाले हैं, तो 10,000 है। आप सेंटर पे जाएंगे, हो सकता है 50 कैंडिडेट्स हों आपके रूम में, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है उन 50 कैंडिडेट्स में से किसी का नहीं हो प्रीलिम्स, हो सकता है सिर्फ आप ही का हो, या ये भी हो सकता है कि आपका हो जाए, 3-4 लोगों का आपके पड़ोसी का हो जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो भी करना चाहें फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, दैट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप मेरे स्ट्रैटेजी आप सुन सकते हैं, आप और भी टॉपर्स की सुन सकते हैं, बट उनको सुनने के बाद में यू हैव टू रियलाइज़ कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ आर वी क्रिएटिंग आवर ओन पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी क्या है जो सिर्फ मेरी है, जिसको सिर्फ मैं एग्जीक्यूट करूँगा और जिसके एग्जीक्यूशन से सिर्फ मेरा रैंक आएगा। ये स्ट्रैटेजी इफ़ यू लर्न हाउ टू बिल्ड दिस स्ट्रैटेजी आई कैन गारंटी यू आपका 50% काम आसान हो जाएगा। मैं 20-80 रूल में मानने में बहुत बड़ा विश्वास रखता हूँ, ये सबके लिए अप्लाई नहीं होगा बट मेरे लिए कर गया है तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने प्रीलिम्स को भी 20-80 माना था, इट इज़ 20% नॉलेज, 80% एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस। 2020 के प्रीलिम्स में भी मुझे 22 से ज़्यादा सवाल नहीं होते थे, बट आई ट्राइड कि जितने हो सकते हैं कॉमन सेंस से, आई डिड इट, और मेरे 60-65 क्वेश्चंस सिर्फ नो कॉमन सेंस से सही हुए थे एज पर वेरियस आंसर कीज। सिमिलरली 20% जो कंटेंट है आपका जो कोर है, दैट विल फेच यू अराउंड 80% ऑफ द मार्क्स। उसके बाद में जो 20% है दैट विल रिफ्लेक्ट कि आप किस तरीके से उसको डिलीवर करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी, उसमें भी आपको कई बार रिलुक करना पड़ेगा कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपने एक चीज़ सीख लिया ना कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, तो आपको कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी दैट विल बी एन इम्प्रूवमेंट अपॉन इटसेल्फ, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कैसे कर रहे हैं।
इज देयर अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, क्या ये चीज मुझे अपने गोल तक ले जाएगी। कंटिन्यूअसली सोचते रहिए, इसी चीज को एनालाइज करिए। मैंने पर्सनली बताऊं, कई टॉपर्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 60 आंसर शीट्स लिख आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 60 पेपर्स लिख चुके हैं, उनके लिए काम कर लिया है, टॉप 50 रैंक आया, किसी का टॉप 100 रैंक आया। बट मेरे लिए ये चीज नहीं थी, बिकॉज फॉर मी आंसर राइटिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल प्रैक्टिस, इट इज ऑल्सो मेंटल प्रैक्टिस। मैं जब भी फ्री होता था अपने फ्री टाइम पे, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा चेक करता था कि उनकी डिमांड क्या है, वेदर आई एम रेडी फॉर देयर डिमांड्स और नॉट। इफ आई एम रेडी फॉर देयर डिमांड्स मेंटली, मेरी आंसर शीट में दैट विल रिफ्लेक्ट। तो बिल्ड योर ओन पर्सनैलिटी इस प्रिपरेशन में, वेदर आपका सक्सेस हो फेलियर हो, एंड में देयर हैज टू बी अ पर्सनैलिटी जिसको बाहर के लोग देख के बोले कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता था, फॉर वट एवर रीजन्स लकवाइज नहीं हुआ, और जो देख के बोले कि यार इसका तो सिलेक्शन होना ही था, इसकी बात सुन के। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर से 20-80 रूल में वापस आते हैं, आपका जो प्लान आप बनाएंगे दैट इज 20% ऑफ इट, जो 80% है दैट इज द एग्जीक्यूशन, कितने अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लानिंग सब कर लेंगे, बहुत एवरेज प्लान से मैंने देखा आप लोगों को बनाते हुए कि टूटे फूटे प्लान है, बट उनका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है कि वो पहुंच गए हैं जहां तक उनको पहुंचना था। तो आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनफैक्ट वे मोर इम्पॉर्टेंट। तो यू हैव टू रियलाइज एट सम पॉइंट कि दिस इज योर ओन जर्नी। लाइफ को रेस की तरह मत देखिए कि अगर आईआईटीएल्स का हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा, या फिर ये बंदा है एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है कि हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इट इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ जर्नी, इसका मजा लीजिए। स्ट्रगल्स आएंगे, आप ऐसे सोचिए कि स्ट्रगल्स आर अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें स्ट्रगल आपका एवरी डे का है। इट इज़ नॉट कि एग्जाम्स आ रहे हैं तब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम्स 6 महीने बाद है बट आपको टेंशन आज ही से हो रही है, और इट इज़ वेरी कॉमन। मेरा पर्सनली ये था कि मैं टारगेट्स बेस्ड चलता था पढ़ाई में, कि अगर मेरे टारगेट्स डेली फिनिश हो रहे हैं तो आई विल बी रीचिंग एट द टॉप। मैंने हमेशा टारगेट जो मेरा था रैंक वन ही था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो रैंक वन वाले हैं ये आईआईटीएंस हैं, या फिर ये इनके पेरेंट्स हैं ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, या फिर इनके पास बहुत अच्छी गाइडेंस है। मेरा हमेशा से ये था कि इफ आई मेरा जो एम्स है, इफ आई एम एमिंग फॉर रैंक वन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं रैंक वन तक पहुंचूंगा। उसके हिसाब से इंडिविजुअल पेपर्स हैं, आप उनको देखिए कि टॉपर्स से कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरा जीएस का स्कोर है 407, जितने भी टॉपर्स हैं टॉप 100 में उनका भी इतना ही स्कोर है, अराउंड 400, किसी का 415 होगा, किसी का 405 होगा, इतना ही होगा। ऑप्शनल में आई डिसाइडेड कि मुझे 300 लाने हैं किसी भी तरीके से, आई स्कोर 299, एक नंबर से रह गया थोड़ा सा है कि 3 नहीं दिख रहा आगे, तो ठीक है बट दैट इज़ पर्सनल। एंड में आई अचीव माई गोल, तो उसकी खुशी है मुझे। सिमिलरली ऐसे है ऐसे का ऐप सेट कि मुझे इतना स्कोर करना है, और इतने स्कोर के लिए वॉट आई हैव टू डू कि मेरा ऐसे किस तरह से होगा। बहुत सारे लोग कोड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कोड्स के साथ साथ एनेक्डोट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैंने बहुत फैंसी डायग्राम्स यूज़ करते हुए देखा है मैंने, बट दैट वॉज नॉट मी। मैंने किसी भी आंसर शीट में एक भी डायग्राम नहीं बनाया, ना मैंने कोड्स का यूज़ किया है, बिकॉज आई न्यू कि एग्जामिनर को मेरे आंसर शीट्स पढ़ने के बाद में मेरे बारे में उसे कुछ पता चलना चाहिए कि वॉट इज़ माई पर्सनैलिटी। योर आंसर शीट शुड लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर। आप जा रहे हैं, आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को क्वेश्चन मिल जाएगा कई बार कि वॉट आर द इशूज, ये क्रिटिकली एनालाइज द इशूज ऑफ मिडिल क्लास वुमेन इन इंडिया, आप कर देंगे। लेकिन आपसे ज़्यादा इशूज जो मिडिल क्लास वुमेन है उनको पता है, तो अगर वो पेपर लिख रहे हैं बाई चांस आपसे बेटर प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं। बट आप बनना क्या चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर? You want, why you want to join civil services? Because you want to be a part of the solution, right? आपको problems दिख रही हैं, सभी को दिख रही हैं, informal sector की problems अगर मैं पूछूंगा तो बाहर जो काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा तो नहीं पता आपको,
बट आपको क्यों चुन रहे हैं वो, देन दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? तो मेरा एक पर्सनली यही था कि मैं जितने भी आंसर्स लिखूंगा मेरा सॉल्यूशन इस टाइप का होगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा और बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से मैं जितना कनेक्ट कर सकता हूँ। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है न्यूज़पेपर दो दो घंटे पढ़ते हैं, बट पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, दो दो घंटे बिठा देते हैं, कई लोग तो दो दो तीन तीन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक दिन में। सुन लिया भाई किसी ने, न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाता है, दो दो तीन तीन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं दिन में, दो दो तीन तीन घंटे स्पेंड कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन पता नहीं है कि क्या करना है। डायरेक्शन चाहिए आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कहाँ से सवाल बन रहे हैं, व्हाट आर द थीम्स जहाँ से ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में पढ़िए कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है, फिल्टर करिए न्यूज़ को, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और जब आप ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिमाग रखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन दिखेंगे। डेली कुछ ना कुछ आपको ऐसा यूनिक दिखेगा कि जो आपको लगेगा कि दिस इज प्रैक्टिकल, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक दो साल पहले देखा था, एक दो साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उड़ीसा में हाउसिंग पीएम आवास योजना, सबने सुना होगा ना, तो उड़ीसा में हाउसिंग प्रोजेक्ट को यूएन हैबिटेट ने रिकॉग्नाइज किया था, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड, दे हैव डिड अ वंडरफुल जॉब, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का काम किया है। दिस इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। आप कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आपके पास कई लोग आएंगे कि सर रहने को छत नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे। आप पढ़िए पेपर में कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे आज भी याद है, बिकॉज आई टुक इंटरेस्ट इन दी प्रॉब्लम्स, आई टुक इंटरेस्ट इन दी सॉल्यूशन। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे, उतना ईजी होगा आपके लिए प्रिपेयर करना। आज आई एम कॉन्फिडेंट कि बाय गॉड फॉरबिड अगर मुझे वापस लिखना होगा, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं फिर से क्लियर करता इसको। और जिस दिन मुझे लगता कि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन मैं छोड़ देता है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आप में बहुत डाउटर्स मिल जाएंगे, बट यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रॉम डे वन। डे वन मैं भी जब ज्वाइन किया था तब मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा होगा ही नहीं होगा। डे वन मुझे भी लगता था कि यार टॉपर्स हैं, सबके नाम चेहरे दिखता था कि यार केआर वन है, गौरव अग्रवाल है, इन सबके नाम दिखता था। मुझे लगता था कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। आज मुझे आप ऑल इंडिया रैंक 72 की बजाय एक एस्पिरेंट की तरह से देखिए। अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, इफ इट मेक्स सेंस टू यू, ट्राई करिए होंगे। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि दिस डज नॉट अप्लाई टू यू, फील फ्री टू अवॉइड इट, क्योंकि ये रास्ता आपने आपका खुद का है, जर्नी आपकी खुद की है, आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपको जाना है। मैं नहीं, मेरा काम यहाँ ये था कि मैं अपने पर्सनल स्ट्रगल्स, जिन चीज़ों से मुझे हेल्प मिली है, मैं वो शेयर करूँ। मुझे भी लगता था आपके टाइम पे, मैं भी यहाँ पे बैठता था, मुझे भी लगता था कि यार टॉपर्स आगे कोई सीक्रेट बता दें। सब कॉमन है सर, जो आप पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह से अपना प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेंटल बैरियर ब्रेक करिए। आप ये मत सोचिए कि एंड में मुझे यहाँ पहुँचना है, आप ये सोचिए कि आज मैं ऐसा क्या करूँगा कि मैं कल से बेटर हूँ, और जो कल जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ उसके मैं एक स्टेप क्लोजर हूँ। क्या इस साल कोई प्रीलिम्स दे रहा है क्या अभी 10th October को? ओके, ठीक है। आप लोगों से मेरा एक ही एडवाइस है कि जितने भी करंट कोचिंग टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट किए हैं, नॉलेज वगैरह किए हैं, जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनको दिल पे मत लेना, ठीक है। अच्छे आ रहे हैं तो उसको दिल पे लो, लेकिन अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि रियल लाइफ जो UPSC का पेपर होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। कोचिंग का काम है कि आपको प्रिपेयर करना, वो कई बार टफ पेपर बनाएंगे, कई बार ईजी पेपर बनाएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी वन ऑफ यू, राइट? तो उसको दिल पे नहीं लेना है, लेकिन उससे सीखना ज़रूर है कि हम इसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। उनका काम ये है कि आपसे मिस्टेक्स करवाएंगे वो, ठीक है। वो मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं वो सीखना। और जो नेक्स्ट 10 days हैं, वेरी क्रूशल फॉर यू गाइस, आप जितना हो सके उतना रिवाइज करें और अपना मोराल है उसको बना के रखिए। शुरू में मैंने कहा था ना कि पोडियम पे एज पे खड़े होने से डर लगता है अगर सामने कुछ नहीं होता है, आप हटा दीजिए उसको। ये या फिर ये सोचिए कि मेरे साथ सभी खड़े हैं, सभी को डर लग रहा है। फाइनली मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है और साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं, तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट कि आप जो भी कर रहे हैं
जितना जल्दी हो सके इस साइकिल से निकले, और अगर नहीं भी निकल पा रहे हैं तो ट्राई टू एंजॉय दिस प्रोसेस। कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इफ नॉट फॉर सिविल सर्विसेज देन यू कैन सक्सीड इन लाइफ, और दैट कॉन्फिडेंस इट विल स्पीक फॉर योर सेल्फ, किसी और को नहीं बताना पड़ेगा। लोग आपको देख के बोलेंगे कि इस बंदे ने UPSC सिविल सर्विसेज में फाइट दी है, अगर यहाँ से हारे हो तो कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है, आपने बहुत बड़ा एम किया है। अगर एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हो, आधा ही अगर क्रॉस किया है, दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, राइट? ऐसा तो नहीं है कि काउंट नहीं होगी, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। और व्हाट मैम सेड वाज वेरी करेक्ट, इट इज अ वेरी गुड चांस कि आप में से सबका नहीं होगा, तो सबका इट इज दैट मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पे ध्यान दें कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा हो जाए। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, हर साल हल्ला होता है कि यार सीट्स कम हो गई, आपको तो एक ही चाहिए, और वो सीट आपके लिए है, वो खुद आपको चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू सेलेक्ट यू। आप भी ये सब माइंड में बैरियर्स बना लेते हैं, मेंटल ब्लॉकेट बना लेते हैं कि यार इस वजह से मेरा नहीं होगा या इस वजह से मेरा नहीं होगा। तो समअप करने के लिए आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, बस लगे रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए हर टाइम पे। जब भी सेल्फ डाउट आए अपने पेरेंट्स से बात करिए, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाइए जो आपको हर टाइम पे हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा, और ऐसे दोस्त रखिए जो हमेशा आपको पुश करें। आपके पास अगर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होगा, जो डायरेक्शन है उसके लिए यहाँ पे मेंटर्स हैं आपके पास, कभी भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सॉरी दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। उनको कॉन्टैक्ट करिए, उनको परेशान करिए। टेकिंग अ गाइडेंस इज ऑल्सो अ स्किल, ये भी सीखिए। सिर्फ मेंटोरशिप में आके कट्टू नहीं बिक रहे हैं कि आप आ जाके आ क्या रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ स्किल कि हाउ आई कैन एक्सट्रैक्ट मेंटोरशिप फ्रॉम दिस पर्सन, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है। दे हैव गाइडेड सो मेनी एस्पिरेंट्स टू द सर्विसेज, उनसे सीखिए कि मैं क्या ले सकता हूँ। लर्न दिस हैबिट, डेली ट्राई करिए, डेली का एंडेवर ये होना चाहिए कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड पे मत सोचिए, पहुँच जाएंगे। सो गाइज, दैट वॉज माई स्टोरी, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट। So, anybody is having any questions? Please, in your name, please. Okay. देखिए, डायरेक्शन अगर आपको चाहिए प्रिपरेशन के लिए तो आप बैठ सकते हैं। डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना, वो आपको डायरेक्शन देंगे। उनको देखते रहिए कि किस टाइप के क्या है। और जहाँ तक टारगेट्स की बात है तो टारगेट्स ये आपके इंडिविजुअली डिफर करेंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है दिन में पढ़ने की। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टारगेट्स हैं वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेंगे कि आप कितना दिन में बना सकते हैं। आप सिलेबस को देखेंगे कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, उस वो दैट विल गाइड यू कि आपको दिन में क्या क्या करना है, राइट? पता चलेगा कि मुझे इस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, और मुझे इस एरियाज हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके लिए अगर आप एक महीना लगा रहे हैं दैट इज नॉट वर्थ इट। तो वो आपके मंथ में या वीकली टारगेट्स में उतना ही टाइम आना चाहिए जितने उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसको अचीव करिए। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, और उसमें जो चीज़ वो इन्जॉय करते हैं लाइफ में उसके लिए टाइम नहीं छोड़ते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा है कि मुझे एनीमे देखना बहुत पसंद है, तो मैं डेली जब भी टारगेट्स फिनिश हो जाते थे मैं रात को सोने से पहले वो देखे रहता था। तो इट एक्टेड लाइक अ रीसेट, इट इज़ ऑल्सो मोर सस्टेनेबल दैट वे, कि मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ यार, एक ही लाइफ में एक ही मोनोटोनस लाइफ हो रही है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इन्जॉय माई लाइफ, जो चीज़ें मुझे पसंद है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, और उनको अचीव करिए। उनको अचीव करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आई थिंक मोर देन 75-80% आपका काम कॉन्फिडेंस ही हो जाएगा। सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नाम माय नेम इज जयंत। ओके जयंत सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए आपकी अप्रोच क्या थी? लाइक आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस समय पे सर आपने उस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन की एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बाकी स्टूडेंट्स आपको अलग करते हैं, क्वेश्चन का 300 स्कोर इन दैट, तो सर वो मैं पूछना चाहता हूँ।
देखिए ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि बाकी स्टूडेंट्स मुझे क्या लग करते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि बाकी लोगों ने क्या किया। आपके कुछ कलीग्स भी होंगे सर साथ में स्टडी कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ है। तो मैं अपना बता देता हूँ कि व्हाट वर्क फॉर मी। तो पावेट में पेपर वन जो है दैट इज कंसेप्चुअल पूरा नेचर, दैट इज द थ्योरी पार्ट। और पेपर टू जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इट। तो पेपर वन में दे आर टेस्टिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। अब वो दिन गए जब आपसे थ्योरी पूछने गए, उसमें क्रिटिसिज्म पूछने गए, दे आर आस्किंग कि आप किस तरीके से ऑन द स्पॉट एनालाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास उस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आपके लिंकेजेस कितने अच्छे हैं। अगर आपसे वेबर की क्रिटिसिज्म पूछ रहे हैं, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी है, आपका डेली इंटरेक्शन होता है ब्यूरोक्रेसी से, नहीं होता है तो न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो हाउ यू कैन कनेक्ट की थ्योरी को प्रैक्टिकल से कितना कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। और थर्ड थिंग इज इंटरलिंकेजेस बिटवीन पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में रिग्स ने बोला है कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है तो क्या है वो, उसके आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि इंडियन पॉलिटी में वाई या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है। तो अगर आपसे वो रिग्स के बारे में पूछ रहे हैं तो यू गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पेपर टू, दैट वन। और सेकेंडली ये एक्सरसाइज से ज़्यादा आई वुड से कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी इतनी, मैंने टेस्ट वगैरह लगाए थे, बट मोर देन आंसर राइटिंग मेरा फोकस हमेशा से ये था कि मेरे दिमाग में एक मेंटल इमेज तैयार हो हर आंसर की। बिकॉज वहाँ पे जाके आप जो लिखेंगे ना, वो वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इसको सोच के किस तरह से आंसर करूँ। वहाँ पे आपको टाइम इस चीज़ का मिलेगा कि आपके दिमाग में जो चीज़ है उसको आप ऑन द स्पॉट जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखो। तो इट इज़ बेटर कि आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिए बहुत स्पेसिफिक, जो पूछ रहा है उसके डिमांड को हिट करने का ट्राई करिए, जितना क्लोजेस्ट आप उसको हिट कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि जीएस में जनरिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके जनरिक आंसर्स होते हैं, सभी टॉपर्स के 400-415 होंगे, लेकिन ऑप्शनली है जिसने मुझे रैंक 200-472 पे मेरे को ले गया है। तो दैट इज समथिंग कि आप जितना हो सके उतना स्पेसिफिक आंसर दीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितने पीछे जा सकते हैं उतने पीछे जाइए, और उनका फ्रेमवर्क बनाइए। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मुझसे, इसका इंट्रोडक्शन मैं किस तरीके से करूँगा, इसकी बॉडी क्या होगी और इसका कंक्लूजन क्या होगा, और बार बार उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। हर बार आप सोचेंगे, हर बार देयर वुड बी एन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपकी नॉलेज डेली बढ़ रही है, पढ़ने से नहीं, आपके एक्सपीरियंस से, आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से, हर चीज़ से। तो उसको फ्रेम करिए, चेक करवाइए आपके फैकल्टी से, टीचर से कि सर क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या, अगर मैं सही नहीं जा रहा हूँ तो सर इसको किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो लर्न दी हैबिट ऑफ या लर्न दी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। टॉपर्स कॉपीज देख रहे हैं तो उनका कंटेंट मत चुराइए, उनका ये देखिए कि वो किस तरह से आंसर लिख रहे हैं। What is few common things जो सभी answers में दिख रही है आपको, ये चीज़ हर answers में कर रहे हैं, that is why it is working for them। वो चीज़ अपने में भी develop करिए कि how to write an answer instead of what to write an answer, क्योंकि content आपके पास आ जाएगा, आप पढ़ते रहेंगे content आ जाएगा, उसी कभी कमी नहीं होगी। सर जब आपने first time start किया ऐसे भी, तो मैं comment को start किया, तो इसमें आपको कितना समय लगा six months देखो कंसेप्चुअली मेरे को लग गया था कि मेरा सैचुरेशन आ गया है नॉलेज वाइज, तो ये वाले अटैम्प्ट में मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा था, मेरे पास जो नॉलेज थी उसको मैंने रीवायर किया कि हाउ ये नॉलेज है इसको मैं जो यूपीएससी पूछ रहा है किस तरह से उसको मैं रीवायर करूँ कि ये आंसर मेरे पास जो नॉलेज है ये इस आंसर के लिए फिट हो जाए, और एग्जामिनर को पढ़ के लगे कि ये बंदा समझ गया कि मैंने क्या पूछा इससे। So that was most of my welcome. Anybody else? Sir, one thing about your current affairs study. Without completing study part, we are finding it too challenging. Okay. Current affairs के लिए देखिए, static is something जो आपको both prelims और mains में fodder content देगा। कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो static आपने अगर रटा हुआ है, तो आपके वो मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स के लिए बेस्ट ये रहेगा, मैं पर्सनली बताता हूँ, आपके लिए शायद डिफर हो सकता है, बट मेरे लिए बेस्ट ये काम करता था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद में मैं जो करेंट अफेयर्स मैगजीन्स आती है अलग अलग कोचिंग की, वन ईयर की, उनको मैं 3-4 कोचिंग्स की मैं एक साथ कर लेता था। तो अगर मुझे मेरा एक पार्ट से अगर कुछ छूटता था तो वो सेकेंड में से कवर हो जाता था, और अगर कॉमन चीज़ें भी आ रही थी तो वो पढ़ते पढ़ते रिवाइज हो जाती थी, मैंने ये किया था। और सेकेंडली जो मैंने एक चीज़ की थी, जो करेंट अफेयर्स मैगजीन्स थी उनकी मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना लिए थे,
और वो इतने शॉर्ट नोट्स थे कि वो मेरे अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता था, मेरे को जो चीज़ें याद नहीं रहती थी कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, और हो सकता है कि मैं एग्जाम से पहले ये भूल जाऊँ, तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे। तो इकॉनमी पॉलिटी इन सब के मैंने दो दो तीन तीन पेज के बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि दिस इज बहुत ज़्यादा मतलब याद रखने वाली चीज़ है, शायद इन में आते आते मैं भूल जाऊँ, और मैं उन्हीं को याद करके चला गया था। और जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है सुनने में कि हाँ ये गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है, ये सुनने में लॉजिकल लग रहा है, ये मिनिस्ट्री है तो ये मिनिस्ट्री यही काम करती होगी, जो लॉजिकल लग रहा है उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप वहाँ पे बैठ के भी सोच लेंगे। कुछ अगर एक्सेप्शनल मिल रहा है तो उसके नोट्स बनाइए यार, ये चीज़ें जो वहाँ जाके गलती हो सकती है, तो उससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। सर गवर्नमेंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करते हैं तो इसको टेस्ट करने के आपके क्या क्वेश्चंस के फॉर्म में या किसी भी तरीके से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं एग्जाम्स के अंदर जो करंट अफेयर्स से आते हैं, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक्स में शायद प्रीलिम्स के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो सर उनको टेस्ट करने के लिए आपने क्या पैरामीटर्स यूज किए? करंट अफेयर्स को टेस्ट करने के लिए मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर करंट अफेयर्स हम बहुत सारे सोर्सेज से रेफर करते हैं, हम मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, फाइनल कंपाइलेशंस भी पढ़ते हैं, या न्यूज़ पेपर्स को भी करते हैं अपडेट, और फिर उसकी एक कंसोलिडेटेड जैसे आपने कहा नोट्स भी बना लिया, नोट्स बनाने के बाद में उसका क्रक्स भी आपने निकाल लिया, दो पेज में आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, लेकिन उससे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस के बेस आप कितने उस पैरामीटर्स पे खड़े हैं, वो चीज़ टेस्ट करने के लिए आपने क्या किया? यार देखो क्वेश्चंस करेंट से आएंगे ना, दैट वो एकदम स्टैटिक या फिर एकदम फैक्चुअल नहीं आएंगे, वो अप्लाइड आएंगे। तो आपने जो नोट्स बनाया ना उसमें से कुछ पार्ट है, अगर तीन स्टेटमेंट दिए तो हो सकता है एक फैक्चुअल है, लेकिन बाकी तो होंगे वो अप्लाइड होंगे। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वहाँ से थोड़ा फैक्चुअल का आपको कंटेंट मिल जाएगा। यार मैं तो ये बोलूँगा कि अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट मेरा करंट अफेयर्स का मटेरियल छोटा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम था बहुत ज़्यादा था, सेकंड में कम था, क्योंकि नॉलेज ऐड हो रही थी और ये भी समझ में आ रहा था कि यार अगर कोई एक मिनिस्ट्री है कोई एक प्रोग्राम ले रही है तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ये प्रोग्राम है तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक बार आप समझ जाते हैं तो आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि ये प्रोग्राम है तो ये क्यों है, क्या है इन प्रोविजन से, इन प्रोविजन का काम क्या है, क्यों लेके आए स्कीम्स का क्या प्रोविजन है, तो उस तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। Anyone else? पूछ लो यार, सिली क्वेश्चन है तो सिली क्वेश्चन भी पूछ लो, कोई जज नहीं करने वाला। वो तो आप बताएंगे ना मैम कि राइट है या नहीं, दूसरा नहीं बता सकता आपको। तो राइट टर्न ले लेना थोड़ा सा, अगर लेफ्ट जा रहे हैं राइट टर्न ले लेना, चेंज कर लेना उसको, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किस डेडिकेशन से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपका उसका रिजल्ट तो आपको तब पता चलेगा ना जब आपने एग्जीक्यूट किया स्ट्रैटेजी, काम नहीं कर रही है। अगर आपने जैसे जनवरी से आपने प्रीलिम्स से पढ़ना स्टार्ट किया है, आपकी वही स्ट्रैटेजी है, आप देख रहे हो कि मेरे वही सेम मिस्टेक्स मैं वापस कर रही हूँ, तो काम नहीं कर रही है, समझ लो। तो थोड़ा आप भी जज करिए और दूसरे का कॉपी मत करिए। मैं फिर वही बोलूँगा कि डोंट ट्राई टू कॉपी देम, ये ज़रूर कॉपी करिए कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। मतलब दो कुक हैं, अगर दोनों को मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ डिश प्रिपेयर कर दीजिए तो अपने हिसाब से बनाएंगे और दोनों टेस्टी होंगी, बट उनका तरीका अलग होगा ना, तो किस तरीके से बना रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाना सीखना होगा। और आप कर लेंगे, आप टूटी फूटी स्ट्रैटेजी बनाइए। मेरी शुरू की बहुत घटिया स्ट्रैटेजी थी, मैंने परफेक्ट स्ट्रैटेजी मेरी, इनफैक्ट आज भी मैं बोलूँगा कि मेरी आज की स्ट्रैटेजी भी बहुत घटिया है। आपको अगर मैं बताऊँगा कि मैंने ये चीज़ें करी हैं तो आप बोलेंगे कि यार ये नहीं किया तूने इसमें ये तो किया नहीं, तूने इसमें ये तो किया नहीं, तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। बट मुझे इतना पता था कि अगर मैं ये चीज़ें कर लूँगा ना तो एग्जाम में मेरे पास जो भी आएगा ना आई विल बी एबल टू टैकल। तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी लाइक दैट, और राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, देयर इज़ नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, देर इज ओनली राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू, जो आपके लिए काम कर जाए वही राइट है। और इसका तो पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी राइट है, तब तक डाउट मत करिए अपने उस पे एफर्ट पे। So
was of around 200 words. But sir, I was also thinking that should I introduce the possible definition of perfect, then I put it. So, the overall question is that how, sir, you decided to write a specific answer? How did you not divert here and there and use this in answer? See the demand पे हिट करो, इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में उस क्वेश्चन का वाई एड्रेस करो, वाई एस्पेक्ट, कि अगर गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, दिस ये जनरल भी अप्लाई हो जाएगी, जीएस में भी अप्लाई हो जाएगी, तो क्वेश्चन अगर गवर्नेंस पे पूछ रहे हैं, सिविल सोसाइटी पे पूछ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में ये बता दो कि सिविल सोसाइटी क्यों चाहिए हमको, बोलते हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ करता था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। उस बंदे को समझ आया कि आई नो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ एग्जामिनर को, और उसके बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है उस पर आ जाइए, बड़ा मत लिखिए, और कंक्लूजन में समरी रिमार्क्स लिखिए। कई लोगों को मैंने देखा है कंक्लूजन बहुत अनरियलिस्टिक लिख देते हैं, तो एग्जामिनर को पढ़ के हंसी नहीं आनी चाहिए, उसको स्माइल आनी चाहिए। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखिए, बट ऐसे लिखिए जो अचीवेबल है। अब जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनमें एंडेड होती है, डबलिंग फार्मर एग्जाम कब थी 2022, 5 ट्रिलियन का 2024, तो उन्होंने सेट किया ना कि दिस इज द माइलस्टोन, ये एम्बिशियस भी है और रियलिस्टिक भी है, बट ऐसा तो नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि दो साल में हम यूएस के बाहर पहुंचेंगे, तो ऐसे कंक्लूजन मत लिखना। कंक्लूजन छोड़ के कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या है, आप किस तरह से आप कंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से करते रहिए और लिखने से ज़्यादा मेंटली एक्सरसाइज करिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, हाउ आई कैन इम्प्रूव इंट्रोडक्शन, करते रहिए। बाहर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा यही हुआ करता था, When I was traveling through metro, मैं ये सोचा था कि यार ये क्वेश्चन आया था एक बार वुमेन इशूज पे क्वेश्चन आया था सोसाइटी में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बिना लिखे भी प्रैक्टिस करिए दिमाग में और सोचते रहिए, आप जितना सोचेंगे उतने डायमेंशन खुलेंगे आपके। आप अगर यहाँ से सोचना शुरू कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डीप जाएंगे आपके डायमेंशन बढ़ते जाएंगे, और एग्जाम में यही करना है आपको, शुरुआत करनी है उसका डायमेंशन खोलने, उनको पढ़ने में मज़ा आएगा, ये बंदे की थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो यही मेरा प्लान था आंसर राइटिंग का। स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करो, और जो सोर्स फॉलो कर लिया ना उस पर टिको, क्योंकि आप तीन सोर्स करने जाओगे उससे बेटर ये है कि आप एक सोर्स को तीन बार कर लो। अगर उस सोर्स से एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही चीज डिफिकल्टी, उन्होंने कोई और किताब पढ़ी है, उनको भी उनके साथ भी यही हो रहा है कि दो तीन क्वेश्चन उनके सोर्स से बाहर आ रहे हैं। जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको जरूर ढंग से करके जाइए, अगर एनसीईआरटी के लिए बोला आपके फैकल्टीज ने तो एनसीईआरटी को ढंग से करके जाइए, कि अगर इसमें से सवाल आ गए जो आते हैं उठ के लाइन टू लाइन सवाल आते हैं, उनको नहीं गलत करना है, वो स्टैंडर्ड बुक से आपके सवाल हिल रहे हैं और वो हिलेंगे आते रहेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ किसी को पूरा पेपर नहीं आता है, एट मैक्स 50% होगा जो लगेगा कि यार 50% मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बाकी के 50% दे इम्प्रोवाइज, कि मेरे पास इतनी नॉलेज है हाउ आई कैन रीच टू दी आंसर। प्रीलिम्स में भी यही होता है, यू डोंट हैव टू फाइंड दी करेक्ट आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर ढूंढिए, कि अगर ये ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने ऑप्शंस आपको इसलिए दिए हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होके जाइए, अंडर कॉन्फिडेंट तो आप पूरे साल रहे हैं, अब टाइम में ओवर कॉन्फिडेंट होने का, वहाँ जाके जाइए सोचिए कि यार मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, अगर ऊपर से किसी ने बम गिरा दिया ना सब जल जाएंगे, मैं तो हाथ सेक के आ जाऊँगा, इस टाइप का कॉन्फिडेंस यू नीड, कि जित और एक्सपेक्ट करके जाइए कि पेपर वुड बी टफ। आप जितना अपने आप को ट्रेन करेंगे ना कि मेंटली स्ट्रेस सिचुएशंस में कितना अच्छे से कर सकते हैं, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आंसर ठीक है, खुश हो? और रिमन, आपका अटेम्प्ट कब है? 2022 स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे टाइम है ये, जिनका नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दिसंबर तक ऑप्शनल, एथिक्स और एसए, ये तीन चीज़ें बहुत अच्छे से कर लीजिए। जनवरी से आप सब प्रीलिम्स में लग जाएंगे, मुझे लगता है शायद आप लोग मेंस की करेंगे नहीं करेंगे, तो जनवरी से लेकर जून में है ना पेपर, तब आप प्रीलिम्स का पढ़िए, और उसके बाद में जो जीएस वाला पार्ट है उसके लिए आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना के कर लीजिए कितने में इनकम होगा। सीसेट का देखिए, सीसेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर है उनका, बट सीसेट नहीं निकला है, उसको लाइटली मत लीजिए। अगर आप इंजीनियर भी हैं तो भी ये मत सोचिए कि बहुत नए पेपर ओवर किए,
इसको लाइटली मत लीजिए, शुरुआत कीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर से, 2014 से 2020 तक के पेपर लगाइए, टेस्ट करिए कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि आपके 90-100 बन रहे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर इससे कम बन रहे हैं तो एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से ये लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम से बार बार सवाल आ रहे हैं, रिवर्स और वेलोसिटी से बार बार सवाल आ रहे हैं, तो इनमें प्रैक्टिस करिए ताकि ये अगर क्वेश्चन वहाँ पे आएगा मैं किस तरह से करूँगा, और रिपीट भी हो रहा है कई बार तो क्वेश्चन नंबर वगैरह चेंज करके, तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। जब आप प्रीलिम्स का स्टार्ट करें तो वीक में एक टेस्ट दे दिए जाना सीजन का, उतना इनफ है, और कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहिए अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेरा ठीक है, मेरा बता देता हूँ मैं, देखो प्रीलिम्स का मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि अब पेपर थोड़ा सा अप्लाइड आ रहा है और पढ़ते पढ़ते टाइम लग रहा है तो लेंथी हो रहा है, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं दो राउंड्स में ही करूँगा इसको। फर्स्ट राउंड में आई विल कैटेगराइज कौन से क्वेश्चंस मुझे 100% आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं रिव्यू करूंगा बाद में सेकंड राउंड में, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं कार्ड दूंगा जिनको मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो ऐसे अराउंड जो थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं वो मेरे अराउंड 8-10 होते थे, इनको मैं सेकंड राउंड में नहीं देखने वाला, इनको पढ़ूंगा तो भी मैं शायद हो सकता है गलत आंसर करके आऊँगा, तो मैं उनको कार्ड देता था। फर्स्ट राउंड में जितने मुझे आते थे मैं उनको टिक कर देता था। सेकंड राउंड में अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस पे आके फिर उसको वापस रिव्यू पे डाल देते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, ये मत करिए, वहीं ऑन द स्पॉट डिसीजन लीजिए, जो आपको लग रहा है गट फीलिंग आ रही है वहीं लीजिए, क्योंकि बाद में आप जाएंगे ना ओवर एनालाइज करेंगे और उसमें आप गलत आंसर तक पहुंचेंगे, तो दो राउंड्स में करिए, मेरा पर्सनल ये था। और इसी तरीके से मुझे मतलब पूरा पेपर करने का भी टाइम मिल गया था और अराउंड 80-85 अटेम्प्ट मैंने किए थे, तो वो मेरा मतलब मेरे लिए काम कर गया था। अच्छा आप भी पूछ रहे हैं मैंने, हाँ आपका पॉपेट है, हाँ देखिए पेपर वन के लिए तो थिंकर्स की एक बुक है प्रसाद, फिर अगर आपको पढ़ना है तो आप न्यू हॉराइजंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक है मोहित भट्टाचार्य की, वो आप पढ़ सकते हैं। पेपर टू के लिए गोयल एंड गोयल की है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा और इनफैक्ट इन सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूँगा कि सेकेंड ईयर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना उनको पढ़िए डाउनलोड करके, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकेंड ईयर की उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए, वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लाइन उठ के, वो कर लेंगे आप वो जगह। How did you divide your day while taking coaching? And you've been spending more than 4 hours here, right? So how you used to divide your day? अगर आप कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं कोशिश ये करिए कि घर जाके उसको कॉम्प्लीमेंट करें, रिपीट नहीं करना है, पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए और आज मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आज अगर पॉलिटी में कोई टॉपिक चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, ठीक है आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, अगले दिन आके टीचर से चेक करवा लीजिए कि आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये जो टॉपिक है कि आपने एग्जाम के लिए पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक चीज़ होती है पढ़ना, एक चीज़ होती है पार्लियामेंट आना, और एक चीज़ होती है कि वो नॉलेज से आप आंसर्स ला पा रहे हैं नहीं ला पा रहे, इस तरह से कर लीजिए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होगा आपका काम हो जाएगा। रिपोर्ट पढ़िए अच्छे से, टाइम है ना आपके पास, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है तो फिर तो पूरी रिपोर्ट्स पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, ऐसा हो कि आपके खून में से भय हो, इस टाइप के प्रिपरेशन होनी चाहिए। सेकेंड ईयरसी तो गोल्ड माइन है, वो आप पढ़ेंगे आपके सिर्फ मैं सिर्फ पवैड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके जीएस में भी 2-3-4 तीनों में हेल्प होगी, अच्छे से पढ़िए उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर के, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, एथिक्स में आ रहे हैं उसके क्वेश्चन। नहीं वो तो है ही, डेफिनेटली वो तो है ही, बाकी सब भी पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठी होंगी तो वहाँ हेल्प हो जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सपीरियंस टॉक्स, यू नो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जब अनुभव बात करता है तो वो इस तरह का प्रतीत होता है, क्योंकि एक एक वर्ड अगर आपने ध्यान से सुना होगा ध्रुव के एड्रेस का, उन्होंने पूरा निचोड़ जो तैयारी का होता है ना वो आपको बता दिया उस 20-80 प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही बात, आई फुली एंडोर्स दैट व्यू ऑफ दिस 2080 एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू इवन मैग्नीफाई दिस व्यू मोर एंड यू नो ब्रिंग इट टू थ्रू मेंटरिंग टू दी स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दैट
secret and a magical principle of this 2018. What he is telling you कि एक level आप सब में आ जाएगा जब आप saturate हो जाएंगे उस knowledge के साथ और जितनी knowledge adequately आपको चाहिए because आपको research scientist नहीं बनना है जितनी UPSC या RAS के लिए आपको knowledge चाहिए वो आपके पास आ जाएगी बट होता क्या है हम लोग सारे 20% में ही लगे रहते हैं हम 80% की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अब वो 80% क्या है वो 80% आपकी सोच है आपकी पर्सनैलिटी है आपका एटीट्यूड है वो आपकी आंसर राइटिंग में दिखना चाहिए बिकॉज वही आपकी आंसर्स को अलग बनाएगा और वही आपको मार्क्स दिलवाएगा दैट इज वॉट ध्रुव इज ट्राइंग टू टेल यू पर उस 80% पे हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करते हम इसी पे पढ़ जाते हैं मुझे मॉडर्न हिस्ट्री किससे पढ़ना है मुझे एंशियंट आर्ट एंड कल्चर किससे पढ़ना है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल सारे रट लेने हैं वो सब हो जाएगा वो अगर आप लगे रहोगे वो होगा ही वो तो रोबोटिक पार्ट है पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 80% वाला पार्ट जिसपे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं यानी मेरे आंसर में ऐसी क्या खास बात है कि एग्जामिनर जब 100 आंसर पढ़ेगा तो मेरे आंसर को मार्क्स क्यों देगा ज़्यादा बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन इट्स नॉट एन एग्जामिनेशन तो वो चीज वो आपको बताना चाह रहे थे वो 80% पे और वो 80% पे आई कैन अश्योर यू स्टूडेंट्स कि मेंटोरशिप के लिए जब आप जाएंगे वी आर गोइंग टू ड्वेल मोर ऑन दैट पार्ट हम उस एस्पेक्ट पे उस आयाम पे बहुत ज्यादा डिटेल से बात करेंगे और आप भी खुल करके अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आइएगा एंड ध्रुव इट वॉज सच एन एनलाइटनिंग सेशन नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स इवन मी एज अ ब्रांच मैनेजर आई एम टेकिंग इट कि मुझे क्या करना चाहिए आपकी बातों से सुन करके कि मुझे क्या अब अपनी पॉलिसी में यहाँ पे करके आना चाहिए ताकि सही मायनों में स्टूडेंट्स यू नो दे गेट बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड आल्सो बिकॉज आई श्योर यू आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दोस इन द इंस्टीट्यूट फॉर श्योर दैट इज देयर सो विद ऑल दैट ग्रैटिट्यूड एंड प्राइड ह्यूमिलिटी इन एवरीथिंग वी थैंक्स ध्रुव वंस अगेन एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू सर Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.